दोस्तों नमस्कार। वैसे मूर्खों की कमी नेपाल में भी नहीं है। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसको सत्यापित करने के लिए मैंने बहुत सारे और रिपोर्ट्स को, डिफरेंट जो ट्रीटीज़ हुई हैं भारत और नेपाल के बीच में, उनको रेफ़र किया मैंने। बात कालापानी लिपुलेख और लिम्पीधुरा के विवाद से शुरू हुई थी और आज एक प्रोफेसर के लेख ने उसको और हवा दे दी। और उस प्रोफेसर ने सिर्फ लेख नहीं लिखा, हमारे भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष पे इस तरीके का कटाक्ष किया है जो कि असहनीय है। और इस तरह की हरकत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो प्रोफेसर हैं उद्धव प्याकुरेल, ये काठमांडू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये जनाब अपने ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हैं। इनका कहना ये है कि ये जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, ये 1816 से शुरू हुआ था और उसके बाद बहुत लेवल की बात हो गई है। इनके अकॉर्डिंग 1990 से पहले अनौपचारिक रूप से उठाई जाती थी बातें, लेकिन अब ये औपचारिक तौर पे उठाई जा रही हैं। और जिस तरह का रिस्पांस भारत कर रहा है, वो भारत ने ये माना है कि ये विवादित क्षेत्र है। उनके अकॉर्डिंग 1959 और 1961 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के गलती की वजह से, उनके विरोध ना करने की वजह से, उनको ये लगा, नेपाल को ऐसा लगने लगा कि ये अब हमारी ही भूमि है और इसमें किसी का दखल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि 1959 में चुनाव हुआ जब नेपाल में संसदीय चुनाव, उस संसदीय चुनाव में ये विवादास्पद क्षेत्र के सभी निवासी जो थे एज अ वोटर वोट किया था। उसके बाद 1961 में उनको जो नेपाल की जनगणना हुई उस जनगणना में शामिल किया गया। तो दोस्तों उनका क्लेम यहाँ तक ठीक लगा मुझे कि चलो हमारी गलती है, नेहरू जी ने उस टाइम में क्यों नहीं कंप्लेन किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एड ऑन लॉजिक दिया वो सरासर मूर्खतापूर्ण और एक प्रोफेसर कहलाने के लायक नहीं था उनका। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर 1815 को अंग्रेज़ों ने एक समझौता किया जिसमें कि इन तीनों विवादित क्षेत्रों को, जितने भी विवाद के क्षेत्र हैं उनको नेपाल में दिखाया और नेपाल से लखनऊ में हो रहे दंगों को रोकने में सपोर्ट की मांग की। ये उस समय की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात बता रहे थे वो। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर हमने सपोर्ट किया, लखनऊ का दंगा हमने रुकवा दिया। लेकिन लखनऊ का दंगा रुकने के बाद फिर से एक दूसरा 1816 के आसपास फ्रेश नक्शा दिया गया उनको, फ्रेश मैप जारी किया गया और उस पे उस समय के नेपालीज अथॉरिटी के सिग्नेचर भी हैं। उन्होंने खुद कहा कि उस पे सिग्नेचर हैं और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके किसी सेक्रेटरी द्वारा वहाँ पे ले जाके साइन कराया गया और उसके बाद उस नक्शे में ये तीनों विवादास्पद क्षेत्र जो थे वो भारत के कब्जे में दिखाए गए। तो वहाँ पे उन्होंने मान लिया। लेकिन वो 4 दिसंबर 1815 की घटना को लेके, मतलब लखनऊ में हो रहे दंगों को रोकने के लिए, दंगा नहीं था बेसिकली, वो फ्रीडम मूवमेंट थी और उसको रोकने के लिए उनको वो दान में दिया गया था, इसलिए उनका हो गया। और इस तरीके से मूर्खतापूर्ण तर्क जो दिया गया उन प्रोफेसर के द्वारा, मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि वो प्रोफेसर कहलाने के लायक हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक रोक लेते अपने आप को तो मूर्खता होती, लेकिन उसके बाद उन्होंने दुस्साहस की सीमा पार कर दी। और वो दुस्साहस क्या था, हमारे जनरल के खिलाफ उन्होंने क्या कहा कि जनरल साहब जो हैं बिना जानकारी के और बिना कुछ फैक्ट के बकवास कर रहे हैं, ये कहा उन्होंने हमारे थल सेना अध्यक्ष के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको कि हमारे यहाँ किसी भी सेना या सेना का अधिकारी बिना किसी फैक्ट के नहीं बोलता और वो भारत सरकार के गाइडलाइंस और दिए हुए फैक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना कोई भी बयान देता है। ये कोई चाइना या पाकिस्तान की सेना नहीं है जो हमारी सरकार से ऊपर हो। हमारी सेना बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है और जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म से काम करती है वो कहीं ना कहीं सराहनीय ही नहीं, पूजनीय है। तीसरी बात ये थी, उन्होंने बहुत सारे दौरों का तर्क दिया। वो दौरा बिल्कुल सही है। सबसे पहले उन्होंने दिया कि 1987 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक विदेश मंत्रालय
लेवल का एक एक टीम का गठन किया नेपाल और भारतीय को मिला के, अधिकारियों को मिला के, और उसके बाद उस पे सीमा निर्धारण की उनको जिम्मेवारी दी गई कि आप सीमा का निर्धारण करें, और बेस्ट पॉसिबल जो साइंटिफिक इक्विपमेंट थे उनका इन्वॉल्व करके, उनको यूज करके। तो ये गलती फिर से थी राजीव गांधी की, जो उन्होंने इस तरह का विवादास्पद माना और मान के उस पर अपॉइंट किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1990 के बाद हमने इसको औपचारिक तौर पे हर जगह उठाना शुरू किया, मतलब 1990 से पहले ये औपचारिक नहीं मानते थे। उसके बाद 1997 में इंद्र कुमार गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो जब वो नेपाल गए तो उस नेपाल में की मीटिंग में जो नेपालीज अथॉरिटी थे उन्होंने कहा कि इसको ऐड करना है, इस बात जो मेन टॉक का मुद्दा होगा उसमें इसको ऐड करना है। इंद्र कुमार गुजराल जी ने मान लिया उसको, फिर से उसको विवादास्पद मान के भारतीय गवर्नमेंट का स्टैंप लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, और तब से एक सीरीज ऑफ टॉक्स चलने लगी और उसके बाद रेगुलर टॉक्स होने लगी। और इन सबके शुरुआत में 1987 का रेफरेंस दिया गया, और 1987 में जो राजीव गांधी से मनवाया गया उसमें 1959 और 61 का रेफरेंस दिया गया कि 59 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ है नेपाली संसदीय क्षेत्र का, और उसके बाद 61 में नेपाली जनगणना में उनको ऐड किया गया है और उनको दिखाया गया है। तो देखिए जिस तरीके से ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती रही है। जहाँ भी देख लें आप, जिस भी सीमा विवाद में देख लें आप, कांग्रेसियों की नकारेपंथी और जिस तरह का राष्ट्रद्रोह का काम इन्होंने किया है वो झलक जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1999 में अटल जी की सरकार में जसवंत सिंह हुआ करते थे विदेश मंत्री, उनका जब दौरा हुआ नेपाल में तो उसमें उन्होंने ऐड कराने की कोशिश करी, लेकिन जसवंत सिंह ने टोटली इनकार कर दिया कि अगर वार्ता होगी तो इन मुद्दों पे होगी, ये नहीं रहेगा। तो उसके बाद नेपाली अथॉरिटीज ने उनको माना, लेकिन उन्होंने एक साथ में कंडीशन दिए कि ठीक है इसमें बाद में बात होगी, लेकिन उस समय नहीं ऐड किया गया। ये एक अच्छा कदम मैं बीइंग एन इंडियन मानता हूँ, एक भारतीय होने के नाते मैं मानता हूँ कि आप चीज़ों को जब एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये विवादास्पद है तो आपको उस पर बात करनी होगी, आप विवाद सुलझाना चाहते हैं। तो उसके बाद आइए 23 मार्च 2002 को अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, नेपाली प्राइम मिनिस्टर देउबा जी का, मिस्टर देउबा का दिल्ली में पदार्पण होता है और दिल्ली में उनसे वार्ता होती है। तो उस वार्ता में अटल जी ने जो मेन पॉइंट्स थे उसमें तो नहीं रखा इसको, लेकिन राउंड टेबल टॉक्स के लिए अथॉरिटी के बीच में इसको मान्यता दी गई, और लेकिन इसमें कभी भी उनको ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया गया इस मुद्दे को। तो ये मैं मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी या फिर अटल जी लीड गवर्नमेंट की एक सफलता थी कि हमने उसको इग्नोरेंस दिखाया, हमने बताया कि वो विवादास्पद नहीं है, वो भारत का क्षेत्र है और भारत उस पर कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद आइए फिर से सरकार आई मिस्टर मनमोहन सिंह जी की, 24 से 26 नवंबर को प्रणब मुखर्जी एज अ फॉरेन मिनिस्टर नेपाल गए, उन्होंने जब उसको ऐड करने के लिए कहा गया तो मान लिया उन्होंने, 1987 और 1959 और 61 का रेफरेंस देके उनको मना लिया गया और वो मान गए, और मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको ज्वाइंट स्टेटमेंट में तक डालने का फैसला मान लिया। मतलब उस पर वार्ता भी हुई, अथॉरिटीज़ को निर्देश भी दिए गए, जो बॉर्डर अथॉरिटी थे, बॉर्डर टॉक्स जो था, जो हो रहा था, उसको अथॉरिटी को ऑथराइज किया गया कि आप बात करें और चीज़ों को सुलझाएं। और इतना ही नहीं, उसको ज्वाइंट स्टेटमेंट में इनके अकॉर्डिंग 13वें पॉइंट में ऐड भी करा दिया गया। इस तरह के कांग्रेसी जो ये सरकारें हुई हैं, इस तरीके से देश के साथ इन्होंने धोखा किया है। उसके बाद इन्होंने स्ट्रिप मैपिंग कराई और साइंटिफिक तरीके से जिस जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था उसके लिए ज्वाइंट कमेटी बना दी गई प्रणब मुखर्जी के दौरे में। उसके बाद फिर से ये मामला उन्हीं के रेफरेंस से 4 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ उठता है, और उस दौरे में उनको ज्वाइंट स्टेटमेंट में रखने को कहा गया। फिर से नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी सरकारों के स्टैंड को रखते हुए ये कहा कि कांग्रेसी सरकारों ने बेशक
ऐड किया हो, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको विवादास्पद क्षेत्र नहीं मानते और ये हमारा कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है और वो हमेशा रहेगा और ये हमारा ही है। तो दोस्तों इस तरीके का बिहेवियर जो हमने देखा कांग्रेसी सरकारों का, वो कहीं ना कहीं देशद्रोह से ज़्यादा है। क्योंकि देखिए 98% जो बॉर्डर एरिया है नेपाल के साथ लगता हुआ वो क्लियर है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। सिर्फ 2% पे बनाया गया विवाद और वो भी कब से, 1959 से। अगर वहीं पे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया होता तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। दूसरी बात, 1816 की सुगौली संधि में जब मैं गया तो उसमें देखा मैंने बहुत बॉटम के पॉइंट्स में ये क्लियरली मेंशन है कि जो संधि का जो अपडेटेड पॉइंट है उसमें क्लियर ये दिखाया गया है कि लिपुलेख, लिम्पिधुरा और कालापानी ये तीनों भारत के अभिन्न अंग हैं और इस पे नेपाल का कोई लेना देना नहीं है, इस पे नेपाल का कोई क्लेम नहीं है। तो ये प्रोफेसर की मूर्खता और कांग्रेस की बेवकूफ़ी, ये दोनों की वजह से देश हमेशा भुगतता आया है और जिस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं पता नहीं और भी नए नए आयाम खुलते जाएं और जब उनके आयाम में हम अंदर तक गहराई तक जाते हैं और रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जाके 1950, 51, 60 तक आते आते ये सारे प्रॉब्लम्स को खड़ा किया गया क्योंकि उसको सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।